हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आ गई हूँ किसी से मिलने। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, मैं आ गई हूँ सुयश असवाल से मिलने के लिए। तो आज मैं सुयश से मिलने के लिए जा रही हूँ, उसकी कॉलोनी के बाहर खड़ी हूँ। तो अभी देखते हैं और पहले चलते हैं उसके घर पर, फिर आपको भी मिलवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एंट्री कर ली है सुयश के घर के लिए, और ये हम अभी उसके घर के बाहर पहुँच गए हैं, अभी पहुँचने वाले हैं। तो अभी आपको लेके चलते हैं अंदर और सुयश और सुयश की फैमिली से मिलवाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी सुयश के घर पे आई हुई हूँ और आपको सुयश से भी मिला देती हूँ। सुयश, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद मैम, आप यहाँ पे आए मिलने के लिए, बड़ा अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा सुयश से मिलके, और सुयश ने मेरी मदद भी की, हेल्प भी की है, मेरे को सिखाई, टिप्स बताए, मेरे को काफी अच्छे अच्छे टिप्स बताए। तो और बताओ सुयश। बस मैं तो बढ़िया। और सुयश के पास आज ही टाइम था, फिर सुयश ने कल फिर टूर पे निकलना है। हाँ, शादी में जाना था, गांव में शादी है, वहाँ जाना था। तो अभी शादी के व्लॉग्स मिलेंगे आपको। हाँ जी, सुयश के उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो गांव की शादी? हाँ, गांव की शादी है। लड़के की है, लड़की की? लड़के की है। लड़के की शादी है, लड़के की तरफ से है, तो बारात जाएगी। अच्छा, बारात में जाना है सुयश ने। हाँ जी, तो वहाँ के व्लॉग्स बनेंगे अभी। और बताओ। और बाकी आप जो मैम है वो मम्मी की कुछ? हाँ, मैं और सुयश की मम्मी, हम दोनों एक ही गली के हैं मतलब, और दीदी है हमारे। तो वही पता चला मुझे अभी, वो अभी पता चला जब हमने अपने पुराने बचपन की बातें खोली सारी। तो तब पता चला, चिराग की मम्मी और सुयश की मम्मी और मैं, हम तीनों रुड़की के ही हैं। हमारा मायका तीनों का रुड़की में है। तो आ जाओ जल्दी, आपको भी इधर दीदी भी है। सबको नमस्ते, रजनी के चैनल वाले देखने वाले सबको हाय। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुड़की से हैं हम। हाँ ना, और शायद ये तुम बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, मतलब ये मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ उन्हें। मेरे को तो याद है, मेरे को तो याद है दीदी का, मेरे उनको तो मुझे याद है कि बहुत छोटी थी मैं। और उसकी रजनी की जो दीदी है वो हमारे साथ की है, मेरी दीदी बड़ी वाली और दीदी दोनों क्लासमेट्स थे। तो और चिराग की मम्मा। हाँ, तो ये तीनों के तीनों क्लासमेट्स थे। तो आज हम मिलने के लिए आए थे, दीदी को भी, सुयश को भी, दोनों को मिलने के लिए आए। और हमारी ढेर सारी बातें हुई रुड़की की, और हमारी मायके की बहुत सारी बातें हुई। सुयश भी परेशान हो गया बातें सुन के। आंटी जी हो गई, और मम्मी भी है, मम्मी भी है और यशु है। तो हम गप्पे ही मारे जा रहे थे, हम अपनी रुड़की की बातें करें। जब हमारी रुड़की की बातें होती है तो हम भूल जाते हैं हम कोई हमारे बीच बीच में अंदर चले जा रहा था इसलिए। तो बाकी मैम के चैनल को भी जो देख रहा है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और बहुत मतलब डेढ़ साल हो गया लगभग। हाँ, मेरे को टाइम हो गया, डेढ़ साल हो गया मेरे को वीडियोस बनाते तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना और देखना जरूर चैनल को। और नीचे लिख देना कि हम सीएच के चैनल। हाँ, ये भी। हाँ, नीचे कमेंट में लिख देना कि हम सीएच के चैनल से आए हैं ना। करेक्ट, बिल्कुल, तभी वैलिडेशन होता है कि पता चलता है कि हाँ वहीं से आए। मुझे भी पता लगे और सीएच को भी। मैं मैडम शेष का मैंने सबसे पहला जो व्लॉग देखा था वो देखा था मैंने सिंपली वाला, जिसमें जागर वगैरह भी थे। तो उस समय और उसके बाद मैंने फिर तारकेश्वर वाले व्लॉग देखे, तब से मैं डेली देख रही हूँ। तो मेरे को था कि मेरे को शेष से मिलना है, शेष से मेरी बात हुई इंस्टाग्राम में। और वैसे हमारे रुड़की के बहुत हैं यहाँ पर कोटद्वार में, पर हम मिले नहीं है कभी भी किसी से। और आज ही मतलब वो भी मतलब YouTube के उससे। आज हम मतलब इतने पुराने मतलब कितने साल हो गए होंगे दीदी? मैं तो बहुत ही छोटी थी मतलब हमें मतलब शादी को 27 साल हो गए ना। हाँ, तो 27 साल 27 30 साल लगा लो। हाँ, उस समय मैं देखा होगा, उस समय मैं बहुत छोटी थी, आपकी भी जल्दी शादी हो गई थी। हाँ, जल्दी शादी हो गई थी, लेकिन मैं तो उस समय आपको उस समय ही देखा था। उस समय दीदी बिल्कुल पतले हो गए थे, लंबे बाल पतले। जब मैंने उनके वीडियोस देखे तो मेरे को लगा कि यार ये तो मतलब देखे देखे से लग रहे हैं, कौन है। फिर जब मैंने चिराग की मम्मा को वीडियो में देखा तड़कीशर वाले बग में, तो मेरे को कन्फर्म हो गया कि नहीं ये तो दीदी है। तो मतलब इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी रुड़की वाले हैं वो सुयश के चैनल को भी देखें। हाँ, और हमसे मिलने आए भाई मिले। हाँ।
बहुत अच्छा लगा मतलब मिलके। मैं भी, उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा, मैं हाँ। तो उनको देख चुकी हूँ कई बार ही देखा है, लेकिन उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, कम से कम ऐसे रहूंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैं ऐसे ही रहूंगा, फिफ्थ भी नहीं रहूंगी, थर्ड फोर्थ में ही ना, तो दीदी की शादी हुई थी उससे पहले आपके होगी, थर्ड फोर्थ में रहूंगे, तो तब से आज हमारा मिलना हुआ है। हाँ, तो मेरे को तो वो भी श्रीयश के माध्यम से, और वो भी उन्होंने यूं बोला, मतलब जो तुम्हारी दीदी है, तो मतलब हम तब क्लास में, तो अभी तो मतलब जो बीना है उनकी बहन, तो हमें तो ये पता था बीना और उसकी एक बहन है, बाकी हमें और किसी का पता नहीं था, बहुत छोटे होते थे तो उनको याद नहीं, मेरे को पूरा याद था। तो तब फिर हमने बात बुत की और भी हम दीदी से मिले, बहुत अच्छा लगा, अभी हमें लगा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, अभी हमने गप्पे शुरू कर दी, हमारी मतलब फुल टाइम रुड़की की गप्पे चली है। तो हमारे घर में रजनी आ रखी है, उनका बेटा और उनकी सास जी आ रखी हैं, तो उन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आप उनका रजनी का भी एक चैनल है, तो आप सभी उनको भी सपोर्ट करें, बस यही रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके शेयर करना। तो आज इस वीडियो का एंड सीएस कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए चैनल में तो नीचे लाल बटन दी सब्सक्राइब को उसे दबा देना, जो भी सुरेश के चैनल से है प्लीज कमेंट कर दे मेरे को, पहला मेरे को कमेंट करके बता दे, और अगर ब्लॉग बंडी अच्छा लगा तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में और फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। सब रजनी को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें।